औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा डेरिवेटिव क्या होते हैं। डेरिवेटिव क्या था? रेट ऑफ चेंज, किसमें भी चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके थ्रू? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स देखे, दो मेथड्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन, या उसको हम नाम देते थे एब इनिशियो मेथड से। दूसरा क्या था? बाय फार्मूला। तो अभी हमारा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, टॉपिक है हमारा बाय एब इनिशियो मेथड से, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से। तो कुछ क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे, आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां पार्ट में करने जा रहा हूँ। 9वां, 10वां, 11वां, 100वां जितने भी हैं वो फिर आपने इसी मेथड से करना है, इस तरीके से करना है। तो कल हमने बाय डेफिनेशन चार स्टेप्स डिस्कस किए थे। पहला स्टेप क्या था कि आपने चेंज लानी है वेरिएबल्स में, एक्स में डेल्टा एक्स है, वाई है तो डेल्टा वाई में। दूसरा स्टेप क्या था जी, फंक्शन जो है वो बोथ साइड नेगेटिव किया, सिंपलीफाई किया। तीसरे स्टेप पे क्या था, डेल्टा एक्स पे हमने डिवाइड किया था। चौथा स्टेप क्या था, लिमिट अप्रोच की थी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो के था। आइए उन्हीं चार स्टेप्स को यहां पे भी हम यूज करते हैं जी। गिवन है जी वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3/2, पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, लेस देन यानी पॉजिटिव भी है, 3/2 भी है, पॉइंट में है, डेसिमल में है। तो पहला स्टेप क्या था जी, आपने चेंज लानी है, तो वाई में डेल्टा वाई चेंज, एक्स में डेल्टा एक्स चेंज, होल रेस टू 3/2 के साथ, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था जी, वो फंक्शन जो है वो नेगेटिव करना है जी, तो वाई प्लस डेल्टा वाई में माइनस भी किया, बोथ साइड इधर भी माइनस किया, इस साइड से माइनस करते ही पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई कैंसिल, दिस इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल 3/2 माइनस दिस इज वाई, वाई किसके इक्वल है जी, एक्स रेज टू 3/2 के साथ। बात क्लियर हो गई? पहला स्टेप चेंज लाए, दूसरा स्टेप फंक्शन को माइनस किया बोथ साइड। अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर है जी 3/2, एक्स की पावर 3/2 हमने कॉमन किया, एक्स की पावर 3/2 जब कॉमन हुआ तो ये 1 रह गया, प्लस डेल्टा एक्स में एक्स नहीं था तो डिवाइड हो गया, होल रेज टू 3/2 माइनस एक्स रेज टू 3/2। क्लियर होगी बात? अब एक्स रेज टू 3/2 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो टेकिंग कॉमन एक्स रेज टू 3/2 बोथ साइड क्या, दोनों टर्म से, तो एक्स रेज टू 3/2 कॉमन इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल 3/2 माइनस, ये चूंकि कॉमन हुआ तो उसकी जगह पे क्या आया, 1 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जिसको, एक्स रेज टू 3/2 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल 3/2 माइनस 1, ये जो चीज है देखें इसको, तो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। प्रीवियस फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया इसको ब्रीफली, वो क्या फॉर्मूला था जी, 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 प्लस इसी तरह से सो ऑन इंफिनिटी की तरफ जा रहा था जी। तो 1 प्लस ये फंक्शन एक्स का रोल प्ले करते हुए ऊपर एन, तो बाइनोमियल यूज किया, तो एक्स रेज टू 3/2 एज इट इज, बाइनोमियल यूज करते हुए 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन है 3/2, एक्स है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये माइनस 1 जो है यहां माइनस 1 आया, तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 3/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब डेल्टा एक्स ओवर एक्स तकरीबन हमारा हर टर्म में मौजूद है, तो उसको कॉमन करते हुए एक्स रेज टू 3/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन किया, रिमेनिंग रह गया जी एक्स 3/2 प्लस 1 ओवर 2 3/2 3/2 माइनस 1, इस पर स्केयर था तो एक कॉमन, बाकी डेल्टा एक्स और एक्स बच गया प्लस एंड सो।
एक्स थ्री बाई टू है जी, नीचे डिवाइडेड बाय एक्स है जी, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, नीचे एक्स की पावर ऊपर आके माइनस, डेल्टा एक्स एज इट इज, और ये सारा फंक्शन एज इट इज। 3/2 में से जब 1 माइनस किया तो वो एक्स रेस टू 1/2 बच गया, दिस इज डेल्टा एक्स एज इट इज, और ये सारा फंक्शन जिस तरह से था एज इट इज लिखा गया। तीसरा स्टेप क्या है कि डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ को डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया, सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, एक्स रेस टू 1/2, दिस इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू ये सारा फंक्शन एज इट इज। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ, बाकी आपके पास बचा ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/2, 3/2 प्लस 1/2, और ये सारा फंक्शन एज इट इज। क्लियर होगी बात। अब चौथा और लास्ट स्टेप है हमारे पास, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड, दोनों तरफ पे लिमिट अप्रोच करते हुए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, एक्स रेस टू 1/2, और ये सारा फंक्शन एज इट इज। जब आपने dy ओवर dx लिमिट अप्रोच की तो दिस बिकम f प्राइम x, यानी डेरिवेटिव ऑफ x, लिमिट अप्रोच की, डेल्टा x अप्रोच जीरो, x रेस टू 1/2, 3/2 प्लस 1/2, तो ये डेल्टा x था जब ये जीरो बना, जीरो ओवर x, तो होल टर्म मल्टीप्लाइड विद जीरो, तो बिकम जीरो, तो x रेस टू 1/2 इंटू 3/2 बच गया, 3/2 को पहले लिखा x रेस टू 1/2, सो f प्राइम x इज इक्वल टू x रेस टू 1/2 मल्टीप्लाइड 3/2। f प्राइम x को हम डिनोट कर सकते हैं dy ओवर dx के साथ, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3/2 x रेस टू 1/2। तो ये जनाब आपके पास बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय एब इनिशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से जी, फाइंड dy ओवर dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड से। तो फंक्शन है जी y इज इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर रूट, पहला स्टेप आपने चेंज लाए x में और डेल्टा y में, x और y में, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 2 स्क्वायर रूट। दूसरा स्टेप क्या था जी, y आपने सबट्रैक्ट किया बोथ साइड, इधर सबट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा y एज इट इज माइनस y, y को आपने रिप्लेस किया फिर उसी फंक्शन के साथ, और वो है आपके पास जनाब y की फॉर्म में, तो x प्लस डेल्टा x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस ये y आपके पास रिप्लेस हुआ x प्लस 2 स्क्वायर रूट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फंक्शन है वो सर्ड की फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में, तो हमेशा उसका सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय देयर कॉन्जुगेट, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड किया और उससे डिवाइड भी किया, तो ये बना a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे फंक्शन जो था वो एज इट इज आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से जब कैंसिल किया तो x प्लस डेल्टा x प्लस 2 माइनस रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज आया, ओवर जो है आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर रूट, ये नीचे डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज आया। अब जनाब यहाँ पे क्या हुआ, सिंप्लीफाई की तरफ चाहते हैं जी, माइनस x से प्लस x कैंसिल, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, रिमेनिंग डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट हो गया। अब जनाब तीसरा स्टेप क्या था जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड, तो डेल्टा एक्स पे हमने दोनों तरफ को डिवाइड किया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। लास्ट और द फाइनल स्टेप क्या है जी, अप्रोचिंग लिमिट या टेकिंग लिमिट बोथ साइड, द लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, इस सारे फंक्शंस को जब लिमिट अप्रोच की तो 1 ओवर एक्स प्लस 0 प्लस 2 यानी एक्स प्लस 2 बना प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट वो एज इट इज आया, और ये लिमिट जो अप्रोच हो गई दिस बिकम डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो ये था जी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना किसके साथ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ हमें चार स्टेप देता है, पहला स्टेप क्या है जी आपने चेंज लानी है, दूसरा स्टेप क्या है जी सिंप्लीफाई करना है जी माइनस फंक्शंस को जो या माइनस वाई जो है वो बोथ साइड करते हुए, तीसरा स्टेप क्या था जी डेल्टा एक्स पर डिवाइड करना है, चौथा स्टेप क्या है जी
आपने लिमिट अप्रोच करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो के साथ। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल, एक्सरसाइज 2.1 जो है एब इनिशियो मेथड से वो कंप्लीट हुई। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं जहां पर पॉजिटिव में आ रही, फ्रैक्शन में आ रही हो या नेगेटिव में आ रही हो, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।